चीमा साहब ने बड़े विस्तार पूर्वक गल की थी कि प्रॉब्लम की है और उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की गल है कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, एक लिकर गेट बहुत वड्डा 5600 करोड़ का लिकर स्कैम की एक गल चल रही है जिहदा बार बार जिक्र हो रहा। एक पासे खजाना मंत्री साहब कहिंदे खजाना खाली और दूजे पासे कांग्रेस दे लीडर 5600 करोड़ की लिकर समगलिंग, खजाने नू घाटा पहुंचाउण दा काम कर रहे। और जिहड़ी वड्डी गल है कि देखो जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुण खड़ा होया उहदा बार बार जिहदा असीं जिक्र कर रहे सी, हुण ओह डीपन्ड हुंदा जा रहा, हुण ओह होर खतरनाक तौर ते ओह मामला होर डूंघाई च डीपन हो रहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब दा अज दा बयान कि कोई लॉस तां होया ही नहीं, एक्साइज ऑफिशियल्स का बयान कि कोई लॉस तो होया ही नहीं, और फिर एक मंत्री साहब का यह कहना कि हुण मसला एक होर समझो, जिवें कल्ला शराब का नहीं कि असली तो डुप्लीकेट का रौला रह गया, हुण तां कांग्रसियां भी असली तो डुप्लीकेट का लौरा पै रहा। असली कहिंदे कि मैं जमानदरू कांग्रसी, तो आरोप है डुप्लीकेटा का, जिहड़े तुसीं हुण मेरे तो किसम पुछदे हो तुहानूं पता ही है, इशारा होया कि जेड़े आरोप ला रहे हैं वो तो पता नहीं कदों कांग्रेस च छड़ के चले जाना, हले आए हैं डेपुटेशन च, डुपली ने, डुप्लीकेट ने, नकली ने, मगर जेड़े असली कांग्रेसी ने वो आप दी कहानी फिट कर रहे। इसलिए अज मैं पूछना चाहना कि ये नजायज शराब के धंधे च असली ते डुप्लीकेट कांग्रेसी कित्थे खलोते ने, कि वो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल नाल सहमत ने कि कोई लॉस नहीं, जे सहमत ने तो फिर मैं समझदा उन्हों का वजीर बने रहना कोई उन्होंने इजाजत नहीं दिता, फिर वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन्होंने एडा वड्डा मुद्दा मसला ये बनाया। तो जे कैप्टन अमरिंदर सिंह सही बोल रहे ने तो फिर मैं समझदा कि जेडे वजीर ने वो आप दी गल, क्योंकि उन्हों का आरोप कला चीफ सैकटरी के खिलाफ नहीं सी, आफ्टर ऑल चीफ सैकटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो उन्होंने कोल सीगा तो वह तो सिर्फ जनवरी के महीने तो सी, लॉसिस की जिहड़ी गल हो रही है वह 2017 पिछले 3 साल की हो रही है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट नू हैड चीफ मिनिस्टर करते हैं, और मैं समझदा कितने ना कितने जो एक्साइज पॉलिसी पास होंदी सी ते उहदे च कलैक्टिव रिसपोंसिबिलिटी आ रही है। सो जे सारी गल वेखो तो मसला हुण बड़ा गंभीर ते बड़ा पचीदा बन गया कि ना केवल कलैक्टिव डिसीजन ते भी सवाल उठ रहे हैं, और एक पासे एक वजीर असली ते नकली का सवाल उठा रहे कि मैं असली कांग्रसी, सवाल उठाने वाले डुप्लीकेट कांग्रसी, सच की है झूठ की है। पंजाब दे लोकां दा मकसद और ध्यान सिर्फ इस गल ते है जिवें चीमा साहब ने कहा है कि 5600 करोड़ जिहड़ा पंजाब दे खजाने च जाना चाहीदा सी, जिहदे नाल पंजाब दे लोकां दे भले दीआं स्कीमां चलनियां सन, जिथे घर घर रोटी का इन्ना फिक्र नहीं रहा, अज 11 साढ़े 11 लाख मजदूर इत्थों पलायन कर गया, इत्थों तुरिया जांदा बाहर नूं, उन्हां दे घर तक रोटी पहुंची हुंदी ते पंजाब दी किसानी, पंजाब दी इंडस्ट्री, पंजाब दी इकोनमी नूं एडा वड्डा संकट ना पैदा होया हुंदा। इन्हां गल्लां वल किसे दा कोई ध्यान नहीं। और मैं जिहड़ी दूजी फिकर दी गल है, कल्ला रेवन्यू लॉस एक वड्डा कारण जरूर है फिकर दा, मगर दूजा जिहड़ा देखो एक ट्रैजडी बड़ी वड्डी वापर सकदी है, ये जिहड़ी शराब पिलाई जा रही है जिथे हजारा करोड़ का चूना लाया जा रहा, उत्थे वह शराब पीन करके कल बहुत वड्डे पद्धर से डैथ्स भी हो सकती ने। कईयां दी तुसीं वेख्या कि जदों इलीगल शराब किन्नियां वड्डियां वड्डियां ट्रैजडी च रिजल्ट होईयां ने, उहदे करके भी सानू बड़ा इस गल दा है कि
कि असली बंदियां तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। और जिमें चीमा साहब ने कहा कि होम डिलीवरी शराब की किड्डी जबरदस्त सी कि वह जदों ठेके खुले उदों एक बंदे की लाइन नहीं लगी, मगर होम डिलीवरी राशन की किन्नी माड़ी सी कि आशू जिहड़ा इन्हां दा कैबिनेट मिनिस्टर है जिस जिले नूं संबंधित है लुधियाने च, उत्थे तुसीं लोकां दा वेख ही लिया कि किवें उन्हां ने राशन पिछे वड्डे पर्दर ते आपदा संघर्ष भी वड्डिया ते उत्थे एक ने खुदकुशी भी कर ली और कईयां दी तुसीं कहानियां उत्थों सुनियां ने, उह किस जिले चों? लुधियाने तों। सो मैं जिहड़ी गल ते अगली ते आ रहा कि जिहड़ा कवर अप ऑपरेशन है, देखो अज तो सब तो पहला खबर आई रोपड़ दी, आ मैं फोटो विखा रहा है कि कवर अप होया किवें। आ रोपड़ दी फोटो है जिदे च कौन बंदा सामने है, आ जिहड़ा ये लड़ी जांदा अफसरां नाल, कौन लड़ सकदा है जिन्हों किसे कांग्रेसी वड्डे लीडर की बैकिंग होवे? ए हेमराज काकू बिजली भतीजा कीता दर्शन लाल मंगूपुर MLA दा, हुण कोई लॉकडाउन दे समय च आ फोटो है, वीडियो रिकॉर्डिंग ने, वीडियो थोड़े कोल भी ने, अज तक इत्थे कोई कार्रवाई नहीं। मतलब कि जेडे इलीगल शराब का काम कर रहे सी उन्हां नूं किते ना किते सरपरस्ती वड्डे कांग्रेस दे लीडरां तो सी, तदे उन्हां दे खिलाफ अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूजी गल आही ओही मंगूपुर, अज इत्थों चीमा साहब इलैक्शन लड़दे आ यूथ कांग्रेस के प्रधान, उन्हां नाल भी फोटो, मतलब उहदी जिथे वह भतीजा एक MLA का, उहदी हर वड्डे कांग्रेसी नाल किन्ना नेड़ प्यार है तुसीं वेख रहे, यही कारण है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल उहदी फोटो, अज तक उहदे ते कोई परचा नहीं। जदों रंगे हत्थी शराब के ठेके तो शराब विकदी फड़िया गया सी, मगर कोई कार्रवाई नहीं। लॉकडाउन के समय जदों शराब के ठेके चलाना गैर कानूनी काम सी, और राशन की दुकान खुलदी नहीं सी, शराब का ठेका खुलदा सी, रौला पैंदा सी, मगर उत्ते कार्रवाई कोई नहीं। फिर दूजा बंदा आ जिहड़ा, ए मैं फोटो पहला ही विखाती है, कलर्ड फोटो है, तुहानू दे भी दिंदे आ। आ दूजी जिहड़ी फैक्ट्री होई है जिथे 100 करोड़ तां बड़ी छोटी जी अमाउंट दसती उन्होंने, एक घट्टो घट 500 करोड़ का वड्डा स्कैम है। क्यों मैं गल कह रहा, क्योंकि आ तुसी याद करो, आ 3 मई की खबर लगी सी, 2 मई नू आ शर्मा जी नहीं थोनू याद होना अपनी फेसबुक तो लाइव होए सी, जदों उन्होंने जीरकपुर च एक कांग्रेसी लीडर दे गडाउन च शराब आप जाके डकोई दे रूप च, मतलब कि आपकी आइडेंटिटी लुको के 900 रुपए की ब्लेंडर प्राइड की बोतल खरीदी सी, और वो सारी शराब अज जो साढ़े कोल आई है, इन्होंने तो 2 मई नू गल करती सी कि सारी शराब जिहड़ी आ रही है इसे फैक्ट्री तो आ रही सी, मगर उसते इन्हां दे खुलासे तो बाद भी ये जिहड़ी शराब की फैक्ट्री फड़ी गई है 15 मई नू फड़ी जाती है। 2 हफ्ते उन्होंने पूरा कारोबार चलाया तो सारी शराब ते ओ जिहड़ी शराब मैनुफैक्चर हो रही है लगभग सेम ब्रांड ही ने, कोई वक्रा नहीं। कहण दा भाव कि उन्हां दा सप्लाई दा एरिया वेखो कित्थों तक किथे तक चलदा सी, हरियाणे दे बार्डर तक, हरियाणे तक भी वो सप्लाई कर रहे सी। फिर जिहदी ये शराब की फैक्ट्री फड़ी गई है, ये कोई सधारण बंदे नहीं, अमरीक सिंह करके है जिहदी वाइफ नूं आ इश्तिहार भी लग्गिया जिला परिषद की टिकट दिती। तुहानूं पता है जिला परिषद की अहमियत, हाफ MLA हुंदा, 2 जिला परिषद मेक 1 MLA, जिहड़ा 50-60 पिंडां दा मोहतबार बंदा होवे, कांग्रेसी बड़ा वड्डा होवे, MLA दा चेता होवे, फिर ही उहनूं टिकट मिलदी है, नहीं तां उहनूं टिकट नहीं छेती कोई लै सकदा। ये अमरीक सिंह की पत्नी ने, जिन्हां नूं बीबी भुपिंदर कौर जिन्हां दे हसबेंड ते परचा होया, आ हसबेंड रहा वो जाखड़ साहब नूं फुल फड़ाउंदा ते मुड़ के शराब वेचदा मौज नाल, आ फुल फड़ाउंदियां दी कि जनाब जिहड़ा थोड़ी मेहरबानी हो रही है उहदे करके कारोबार बहुत तरक्कियां ते चल रहा। हुण इहदा जाखड़ साहब ही दस सकदे फुल्लां दे बदले की कुछ कराता, जाखड़ साहब दे तां नहीं रहे, आशीर्वाद ही दे रहे होंदे आ। MLA साहब नाल अमरीक सिंह की फोटो,
जे आ ओदे पंजे नाल फोटो आ पहली फोटो तुहानू विखाई दित्ती सी कि ओदी ब्लैसिंग्स लैंदी होई ओ सारिआं दी ब्लैसिंग्स लै रही आ ओदा हसबंड उत्ते ब्लैसिंग दे नाले आशीर्वाद आपदा दे ही रहे आ सारे लीडरां दी फोटो वेख ही लई आ जिस च एडा वड्डा आशीर्वाद होवे ते जिन्हां दा आशीर्वाद है फिर वह नहीं जांच दे घेरे च आने चाहिए। तुसीं की समझते हो कि 500 करोड़ का शराब का बिजनेस इत्थे तो बंदा घरों बाहर नहीं निकल सकता सीगा घरों आपदे राशन लैन दुध लैन पट्ठे लैन नहीं जा सकता सी ते कोई एडा वड्डा कारोबार चला गया जिस च ट्रक भी आए ट्रक गए भी गत्ते दे डब्बे भी पहुंचे शराब दियां बोतलां भी पहुंचियां पता नहीं केड़ी अलकोहल भी पहुंच गई सारा काम चलिया मतलब एक ट्रक नहीं दिहाड़ी च किन्ने ट्रक आउंदे सी समान लैके रॉ मटीरियल फिनिश्ड गुड्स लैके जांदे सी और जेड़ी टोटल लॉकडाउन करफ्यू च इन्ना काम चलिया ते विदाउट ब्लैसिंग्स वो चल नहीं सकदा मगर जिन्हां दी ब्लैसिंग्स है उन्हां ते परचा होया कुरत बुरत। फिर थोड़े लॉकडाउन दे पीरियड च ही एक खन्ने की खबर लगी सी खन्ने का परचा कढ लो हजारा करोड़ का उतो काम होया मगर जे ओदे ते सिवाए करिंदियां ते जे किसे जेड़ा बंदा चला जेड़ा मेन ओदे च ओदा उत्थे भी मैनुफैक्चरिंग प्लांट चलाउंदा सी जे उत्ते कोई कार्रवाई किसे वड्डे कांग्रेसी दी और थोनू एक गल दा पता है कि लोकल एस एच ओ दी मर्जी दे बगैर लोकल एस एच ओ एम एल ए दे आखे लगदा और एम एल ए दी मर्जी दे बगैर एस एच ओ लग नहीं सकदा ते उत्थे एक बहुत चर्चित एस एच ओ बलजिंदर सिंह ओदी देख रेख हेठ जिन्हू बचाउण लई सारी कांग्रेस ने जोर लाता जिन्हें गुरसिखा दे ककारा दी बेद भी कीती अज तक सस्पेंड नहीं होया उहदी ताकत तुसी आप अंदाजा ला सकदे हो किन्नी है उहदी देखरेख हेठ शराब दी फैक्टरी चलदी सी। इसे तरह आ कई होर फोटोआं कि जिन्नी वारी भी शराब दे जे कारोबारी करदे लोग फड़े गए एम एल ए साहब ने ए टी सी नूं शिकायत कीती 2 मई नूं कोई कारवाई नहीं दित्ता फैक्टरी कदों तों पहलां फड़ी जाणी सी खन्ने च रिकवरी होई कोई कारवाई नहीं रोपड़ च कोई कार्रवाई नहीं आ जेड़ा राजपुरे च भी जेड़ा हुक्का पार्टी सी जिथों कोरोना वायरस के पेशेंटां दी गिनती बनी है कोई कार्रवाई नहीं हुक्का पार्टी सधारण बंदा नहीं चला सकता सी शराब दी पार्टी सधारण बंदा नहीं चला सकता सी मगर जद जड़ तक पहुंचना नहीं तो सुभाविक है फिर थोड़ी सीरियसनेस एक्साइज दे लॉस नूं रोकण दी जीरो हो जाती है और यही कारण है कि पिछले 3 साल च एक्साइज का जेड़ा लॉस है वह वध रहा घट नहीं रहा। और अज मैं जिथे वजीर साहब जेड़े ने बाजवा जी उन्होंने भी बेनती करना चाहना कि यह तो तुसी दसता कि असली कांग्रेसी केड़ा ते नकली कांग्रेसी केड़ा यह भी दस दौ कि असली शराब ते नकली शराब की विक्री कौन करा रहा सी और जेड़ा असली च खजाने का लॉस होया उहदे बारे भी दस्यो लोकां नूं और थोड़ी स्थिति भी असी जानना चाहते हैं जे 17-18 वजीर ने जिहड़े कि सीएम की स्टेटमेंट तो बाद यह कित्थे खलोते ने इस तरह लोकां दी अखां च घटा पा के यह गल खुरत बुरत नहीं होनी इहदी सच्चाई सामने आनी चाहिए और जे ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं तो फिर की है जे सीएम सच्चा है तो फिर वजीर आपका स्टैंड स्पष्ट करन ते इस्तीफा दे जान जे उन्होंने सीएम की गल ते भरोसा नहीं। अच्छा तुसी कोई गल दसना चाहोगे तो दस दो जी।